राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मीडिया सेल जिलाध्यक्ष नागपुर शहर अमित दुबे व उनके शिष्टमंडल ने हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय देते हुए मुस्लिम भाइयों की दरगाह में टीन के शेड लगाने के लिए नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही उपवन संरक्षक नागपुर डॉक्टर प्रभुनाथ शुक्ला के नाम नाशिक के मांडरकर को ज्ञापन सौंपा गया। मांग पूरी नहीं होने पर तीव्र आंदोलन की दी चेतावनी। राष्ट्रवादी कांग्रेस नागपुर शहर ने जैन कलार समाज भवन रेशमबाग में दिवाली स्नेह मिलन का आयोजन किया। दीपावली पर्व पर पदाधिकारियों के उत्साह को दुगना करने के लिए महाराष्ट्र राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख और पूर्व मंत्री रमेश चंद्रबंग को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम शुरू होने से पहले शहीद जवान भूषण सताई को श्रद्धांजलि दी गई। दीप प्रज्वलित करते हुए गणमान्य लोगों ने सभी को शुभकामनाएं दी और कहा कि भारत में सभी धर्मों के लोग इस त्योहार को खुशी के साथ मनाते हैं। दिवाली प्रकाश, आनंद, प्रेम, दोस्ती और मानवता से भरा त्योहार है जो दीप अंधकार को दूर करता है और प्रकाश के अस्तित्व को बनाता है। उसे अच्छाई का प्रतीक माना जाता है। यह दीपोत्सव इस तरह मनाया जाना चाहिए कि इसका प्रकाश दूसरे के जीवन में रोशनी पैदा करे। दिवाली मिलन कार्यक्रम शहर के कोषाध्यक्ष बीरेंद्र युद्का के सौजन्य से था और कार्यक्रम का संचालन पार्टी के प्रवक्ता श्रीकांत शिवनकर ने किया था। आयोजन के दौरान नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से अध्यक्ष अश्विन मिहाड़िया और पदाधिकारी जैन कलार समाज के शेखर आलमने, रविकांत हरडे और संचालक महाराष्ट्र मसाला संगठन की ओर से प्रकाश कटारिया, दिलीप जी ठकराल और पदाधिकारी नाग विदर्भ टी मर्चेंट एसोसिएशन के शंभुजी टेकड़ीवाल, प्रयास संगठना की ओर से कार्तिक शेंडे, चंद्रशेखर तिड़के, कई सामाजिक संगठन संस्थापकों के पदाधिकारियों ने मुलाकात कर गृह मंत्री अनिल देशमुख का स्वागत किया। इस अवसर पर शहर अध्यक्ष अनिल अहिरकर, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अध्यक्ष शबीर अहमद विद्रोही, प्रकाश गजबिये, पूर्व विधायक दीनानाथ पड़ोले, ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ईश्वर बालबुधे, बजरंग सिंह परिहार, प्रदेश कार्यवाह अध्यक्ष सेवादल जनाबजी मस्के, दिलीप पानकुले, ग्रामीण अध्यक्ष बाबा गुजर, ग्रामीण कार्यवाह अध्यक्ष राजू राउत, राजू भाऊ ताकसांडे, धनराज फूसे, सुरेश गुड़गे पाटिल, महादेवराव फूके, नूतन रेवतकर, विशाल खांडेकर, अशोक काटले, रविंद्र इटकल्लेवार, शैलेंद्र तिवारी, वर्षा श्यामकुले जैसे शहर के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। मस्जिद के सम्मान में राष्ट्रवादी मीडिया सेल मैदान में, मंदिर मस्जिद के सम्मान में राष्ट्रवादी मीडिया सेल मैदान में, मंदिर मस्जिद के सम्मान में राष्ट्रवादी मीडिया सेल मैदान में, मंदिर मस्जिद के सम्मान में राष्ट्रवादी मीडिया सेल मैदान में। नमस्कार, मैं अमित दुबे, राष्ट्रवादी कांग्रेस मीडिया सेल जिला अध्यक्ष नागपुर शहर। आज मैं और हमारा शिष्टमंडल, हम सभी ने डॉक्टर प्रभुनाथ शुक्ला साहेब उपवन संरक्षक नागपुर इन्हें ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपने की वजह सातनवरी हजरत मोमिन शाह दरगाह यहाँ कच्चे टीन शेड की व्यवस्था करने बाबत ऐसा ज्ञापन सौंपा है। आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 4 से 5 महीने से यह लोग परेशान है। यहाँ मोमिन शाह दरगाह जो है काफ़ी प्राचीन काल का दरगाह है। यहाँ सभी धर्म के श्रद्धालु आते हैं, जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी समाज के लोग यहाँ आए दिन आते हैं दर्शन के लिए, और उनके दर्शन के लिए उन्हें भारी बरसात या धूप में बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। बारिश में टीम की व्यवस्था नहीं है, धूप आती है तो बैठने की व्यवस्था नहीं हो रही उनको बराबर। इसीलिए आज हम मीडिया सेल की ओर से हमने ये विषय यहाँ यानी निवेदन के द्वारा ज्ञापन सौंपा है। और फिर भी यदि 7 दिनों के भीतर मोमिन शाह दरगाह यहाँ कच्चे टीन की व्यवस्था न की गई तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मीडिया सेल की ओर से तीव्र आंदोलन किया जाएगा और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ वन विभाग संरक्षण इनकी होगी। जय हिंद, जय भारत।